vishala kshibrahmi vidya devi vasudhayai namaha tri kalagya triguna kanta trikalagya triguna kanta padmalochana sursayai namaha padmalochana sursayai namaha brahma jaya vishala kshibrahmi chamunda varahi vanda shastra rupani vandevi triguna उपस्थित हूँ
जो जय जिनेंद्र से प्रारंभ करता है और उसकी वंदना यहाँ पर हो रही है, मेरा साथ दें और इस वंदना को, इस कार्यक्रम को एक बार वो गति दें, वो उत्साह दें, जिसके बाद हम सब इस कार्यक्रम में यात्रा कर सकें। जितने लोग मेरे साथ हैं वो मेरा साथ दें और हम सब मिलकर के इस वंदना को पूर्ण करें। मैं प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। कि जो है धरती का सम्मान करता, जन जन का कल्याण, जो है धरती का सम्मान करता, जन जन का कल्याण, जिसके कण कण में अतिशय, बोलो जैन धर्म की जय, हाँ बोलो जैन धर्म की जय, तो बोलो जैन धर्म की जय, जैन धर्म की जय, जैन धर्म की जय। और क्यों कि सिंह गाय को एक घाट पर जब जल पान कराया, जब जल पान कराया, सब जीवों को जीने का अधिकार हमें समझाया, अधिकार हमें समझाया, जीवन की छट जाए धूप पाऊं तुम जैसा ही रूप, जीवन की छट जाए धूप पाऊं तुम जैसा ही रूप, हो जाए कर्मों का क्षय, बोलो जैन धर्म की जय, तो बोलो जैन धर्म की जय, हो सभी बराबर दिखते जिसमें पहना वो ऐनक हो, पहना वो ऐनक हो, बनकर वीरा की संतान होकर जैन धर्म की शान, बनकर वीरा की संतान होकर जैन धर्म की शान, हम है एक करो निश्चय, बोलो जैन धर्म की जय, तो बोलो जैन धर्म की जय, हाँ बोलो जैन धर्म की जय, जैन धर्म की जय, जैन धर्म की जय, जय बोले महावीर भगवान की। ओम ताज पाई दी गई, वक्त के हाथों जिंदा ही दफनाई गई, ऐसे हालात में अब ताज मेरा बाप बनाए, जिसे जरूरत हो वो कमबख्त अपने आप बनाए, जिसे जरूरत हो वो कमबख्त अपने आप बनाए। यहाँ पे तालियां होंगी, नहीं आप टेंशन मत लो, मैं बताता रहूँगा। क्या होता है कि कई लोग पहली बार सुनने आते हैं ना, तो उनको समझ में नहीं आता कहाँ बनना बजाना है। कई लोग तो तीन बार बजा देते हैं, पहली बार तो सब लोग बजाते तो बजा देते हैं, दूसरी बार समझ में आती तो बजाते हैं, और तीसरी बार ये सोच के हंसते हंसते बजाते हैं कि साला पहली बार तो फोकट में ही बजा दी मैंने, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। तो एक बार जोर से तालियां बजा के, मेरी नज़र जहाँ तक जा रही है आप सबसे ये अनुरोध है कि मेरी कोई भी बात आपको अच्छी लगे, आपके दिल तक पहुँचे, तो उसकी प्रतिक्रिया आपकी तालियों के माध्यम से ज़रूर आए। हालांकि मेरे कानों तक वो आवाज़ें ज़रूर आ रही हैं, बहुत अच्छा है, क्या बात है, उसके बाद भी मेरा मन है कि आपकी तालियां हो तो माहौल ऐसे लगे कि हाँ कवि सम्मेलन चल रहा है। क्या बात। एक और अनुरोध करना चाहती हूँ, यदि आप सब लोग इस अनुरोध को स्वीकार करें तो, ये जितने भी यहाँ पर आप सबको सर्व किया जा रहा है सामान, थोड़ी देर के लिए, यदि जब तक कार्यक्रम चल रहा है तब तक यदि आप लोग वैसे भी खाना वाना खा ही चुके हैं, बहुत ज्यादा जरूरत यदि ना हो, ये बहुत सही अपील है, छोटा सा डिस्टरबेंस है जिसके नहीं, कारण ये बहुत सही अपील तुमने की। अब ये उनको लेने जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये बहुत समझदार है, इनसे मैंने पहले ही अनुरोध कर लिया था कि आप बीच बीच में उठते रहें ताकि ये कुर्सी सांस ले सके। तो क्या बात है, ये बहुत बढ़िया, तालियों से जुड़ेंगे जरा कुछ और मुख तक के लिए, जय हो। बहुत अनामिका बहुत बढ़िया, फोटोग्राफर साहब अपनी उन्मुक्तता में है, मेहनत मैं कर रही हूँ, वीडियो आपका बन रहा है, मैं इन्हें प्रणाम करती हूँ। अनामिका बहुत बढ़िया ढंग से तुम बोल रही हो, बस एक बात का ध्यान रखना, अभी हमारा पेमेंट हुआ नहीं है।
और हमको ये भी पता नहीं कि पहली रो में किसकी जेब में रखा हुआ है। नहीं, मैं तो ये बता रही थी कि मैंने इन कवियों से ही सुना है कि बड़े होकर के फोटोग्राफर वही बनते हैं जिन्हें बचपन से दूसरों के घरों में ताक झांक करने की आदत होती है। कितने खुश हो रहे चाचा जी, मैं इन्हें प्रणाम करती हूँ। सुने, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। पीछे कुछ लोग जो ये सोच रहे हैं कि उन्हें आके बैठ जाना चाहिए, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो भी आके बैठ जाएं, कि बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियाँ मंगाई हैं, कुर्सियाँ मंगाई हैं, कुर्सियाँ मंगाई हैं, बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियाँ मंगाई हैं, इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। लो भाई, कुछ आत्माएं तो अब शांत हो जाएं। बहुत बढ़िया, इमोशनल टच किया है, इमोशनली टच किया है। यदि ऐसे इंसान को अपन इंदौर का सांसद के रूप में ऊपर ले जाते हैं तो वो इतना काम करेगा जितना आज तक इंदौर के लिए किसी ने, कोई भी सांसद ने काम नहीं किया। और ये मैं एज अ उनका भतीजा नहीं कह रहा हूँ, ये जितने लोग उनसे जुड़े हुए हैं ये वो कह रहे हैं, ये उनके शब्द हैं। जो व्यक्ति इन भावों के साथ जीता है वह व्यक्ति सोचिए इंदौर के लिए कितना कर सकता है। मैं यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस, शंकर ललवानी वर्सेस पंकज संघवी या मोदी जी वर्सेस पंकज संघवी नहीं करने आया हूँ। मैं एज अ जैन कह रहा हूँ, अपने शास्त्रों में भी जैसे लिखा हुआ है कि अपन आज भरत युग में है, पांचवा आरा चल रहा है, जैसे जैसे ये पांचवा आरा खत्म होता जाएगा जैन धर्म लुप्त होता जाएगा। आज अपने पास एक ऐसा व्यक्ति सामने अपने समाज को रिप्रेजेंट करने के लिए खड़ा है और अपने पास ऐसा समय है कि आज अपन कुछ ना कुछ देश के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, आज वो समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप सब एकजुट होकर, मतलब हम सब एकजुट होकर ये करें कि आज उनको कहीं ना कहीं अपन सांसद के रूप में दें। और संघवी परिवार से आप लोग सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके से जुड़े हुए हैं। अगर वो दिल्ली रहते हैं, सांसद रहते हैं, आप कोई भी परिवार के आदमी को पकड़ के कह सकते हैं कि चल मेरा ही काम करा दो। और ये मैं गारंटी देता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि आपका काम रुकेगा नहीं, आपका काम होगा। तो थैंक यू वेरी मच। फिर आपको कंप्लेन लेके माँ बाप के पास और सास ससुर के पास जीवन में कभी नहीं जाना पड़ेगा, महावीर स्वामी सब ठीक कर रहे हैं। बड़ी अजीब अजीब घटनाएं हो जाती साहब, उससे हास्यरस का जन्म हो जाता है। मैं मुंबई में रहता था, आप में से कई लोगों का मुंबई आना जाना है, कईयों का तो दूसरा घर ही है। मुंबई में एक कहावत है कि रोटला मड़े छे पण ओटला नथी मळता, मेरी पक्की कहावत, पुरानी कहावत। मैं मुंबई नया नया आ गया, मैं एक आध रूम के लिए मारा मारा फिर रहा था कहीं मिल जाए, बड़ा मुश्किल था साहब उस ज़माने में भी। अब तो 5-5, 7-7 करोड़ के फ्लैट हो गए, उस समय लाखों के भी नहीं ले पाते थे हम। ऐसे समय मेरा एक मित्र आया, मुझसे बोला चल आगरा चलते हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैं किस टेंशन में हूँ और आगरा, मैं कहा तू जा, मैं तो ठीक हूँ। बोला नहीं, एडमिट करने नहीं ले जा रहा हूँ, ताजमहल दिखाऊंगा। ताजमहल तो आप सबने देखा ही होगा, मैंने भी ताजमहल देखा, उसके सामने के जोड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फ्लाइट्स में झगड़ा करके उतरते हैं, ट्रेन में एक दूसरे का माथा फोड़ देते हैं, ऑटो में टैक्सी में लड़ते हैं, लेकिन जब ताजमहल के सामने आते हैं ना तो ऐसा लगता है ये साले दो तो मर गए, असली प्रेमी प्रेमिका तो यही है। मैं ऐसा हाथ में ताजमहल लेके, एक भाभी जी को मैंने पूछा, मैं कहा मेरे पड़ोस में रहती हूँ, रोज़ लड़ती रहती हूँ, ये क्या नाटक है। बोले नहीं, फेसबुक पे डालने का है ना भाई, इसके लिए ज़रा स्टाइल मार रहे हैं। अब बताइए, ये तमाशे मैंने देखे तो मुझे ताजमहल अपील नहीं किया। मैंने कहा यार मुंबई में एक आदमी मकान के लिए भटक रहा है, ये कब्र के लिए इतनी जगह, बड़ा टेंशन हुआ मुझे। मैंने वहीं बैठ के चार पंक्तियाँ लिखी कि मिस्टर शाहजहाँ खाविंद मुमताज महल, एक बार फिर से हिंदुस्तान में आओ। मिस्टर शाहजहाँ खाविंद मुमताज महल, एक बार फिर से हिंदुस्तान में आओ, इस बार आगरे में नहीं मुंबई में अपनी महफिल जमाओ।
बनाया होगा किसी ज़माने में तुमने ताजमहल, आज की तारीख में दो रूम किचन बना के दिखाओ, आज की तारीख में दो रूम किचन बना के दिखाओ। और मेरा दावा है कि वो आ जाएं और ये जीतो वाले मदद नहीं करें तो वो भी नहीं बना पाएंगे। अब मैंने ज़मीन से चार पंक्तियाँ भेज दी तो उन्होंने जन्नत से आठ लौटाई। राजा महाराजाओं की आदत होती थी कि आपने उनके लिए एक शेर कह दिया, वो मोती की माला दे देते थे, अंगूठी दे देते थे। मैंने चार लाइन भेजी तो उन्होंने आठ भेजी। वहाँ से लिखते हैं कि आज भी मिलती हैं सरेआम सैकड़ों मुमताज। ऐसा थोड़ी कि मुमताज महल की पैदाइश बंद हो गई, इंदौर में ढूंढोगे तो 2500 तो यहीं मिल जाएंगे। आज भी मिलती हैं सरेआम सैकड़ों मुमताज, और सभी को ताज की ख्वाहिश है, मगर लहू में एक कतरा भी मोहब्बत का नहीं है, संगे मरमर पे टिकी सबकी नजर। लहू पहला वो नहीं है, नागोरी जी ने पहले ही प्रॉमिस ले लिया कि खाना परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलेगा। अच्छा, ये सर्विस थोड़ी सी देर के लिए हम रुकवाते हैं कृपया, और एक बार तालियों के साथ जुड़ी अनामिका अंबर से। उधर ध्यान नहीं दिए, अब इधर ध्यान। कितने अच्छे लोग हैं। तो फिर लगे हाथ में ये भी बोल दूँ कि सबको वोट ज़रूर करना है, क्योंकि मेरी बात मानी ही जा रही है। यहाँ के लोग नहीं मान रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ के लोग खा पी के फिर मान लेंगे। हाँ, स्ट्रॉ ले लीजिए और बगल वाले को आप पकड़ा दीजिए ताकि आप ताली बजा सकें। पांच बेरे चले गए, एक निजारा लगता बहरा ही है। नहीं कोई बात नहीं। हाँ, जा रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ भैया, तुम भी चलो। आप भी बैठ जाइए, कहीं अच्छा सा पड़ोस देख लीजिए। बहुत आभार आपके बीच फिर से उपस्थित हूँ। आदरणीय सुभाष जी ने मेरा परिचय दिया, मेरी आदतों के बारे में बताया मैं, और उन्होंने एक और सीख भी दी मुझे। ये तो पता था कि जब घर के बुजुर्ग बिगड़ जाएं तो बच्चे संभाल देते हैं, उन्हें सुधार देते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आज ही मुझे इसका इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। स्वागत है, इसीलिए कहा था। तो अब मैं ये करने जा रही हूँ। मेरे समस्त गूगलकालीन श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ, और कुछ मुगलकालीन श्रोताओं को भी प्रणाम करती हूँ। क्या बात। मुगलकालीन मैंने इसलिए कहा, वैसे तो आप सब गूगलकालीन है, मुगलकालीन इसलिए कहा कि यदि मुझे अपने आप को सोते हुए देखना होगा तो मैं शीशे के सामने आँख बंद करके क्यों बैठूंगी सुभाष जी, मैं एक आँख बंद करके सेल्फी नहीं ले लूंगी। देखो यहाँ तो बहुत सज्जन लोग हैं, अगर तुम नौजवानों की भीड़ में फंस गई और एक आँख बंद करके सेल्फी ली तो वो बिल्कुल नहीं सोने देंगे तुम। नहीं, मैं एक आँख बंद करके, दोनों आँख बंद करके सेल्फी लूंगी। आइए, आप सबके बीच हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपको हंसते हुए देखकर। ये आज की टीम कुछ ऐसी है कि मेरा क्रम, मैं ओपनिंग कर रही हूँ मेरे हिसाब से, और शायरी से कविताओं से होगी। मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं वो काम कर सकूँ कि एक पिच बना सकूँ और जिस पर हमारे दोनों वरिष्ठ कवि यहाँ काव्य पाठ कर सकें, और उस पर शुरू में मैं भी थोड़ा बहुत काव्य पाठ कर सकूँ। तो मैं प्रारंभ करती हूँ, चार पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। मेरा मन है यदि आपको बात अच्छी और सच्ची लगे तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक जरूर पहुंचे। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा, आपने इस बात पर ताली बजाई तो मैं कविता सुनाऊं या बातचीत करूं। बहुत भोले श्रोता है, सच में इतने आज्ञाकारी श्रोता कभी कभी देखने को मिलते हैं, आज मिल गए।
मैंने कहा ताली नहीं बजा रहे, तो इतने आज्ञाकारी श्रोता है, इन्होंने एकदम ताली बजा दी। क्या बात। मैं आपके कॉमन सेंस को प्रणाम करती हूँ। काफ़ी सारे नौजवान साथी हैं और अग्रिम पंक्ति में तो बहुत सारे भूतपूर्व नौजवान साथी हैं। मैं सबको प्रणाम करती हूँ। ये जो इधर से इतनी ज़ोर से हंसी आई है, मैं इन्हें विशेष रूप से प्रणाम करती हूँ। आपके ठहाके के लिए मैं आपको आगरा में ढूंढ रही थी, पता चला इंदौर में शिफ्ट करा दिया है। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल हैं। मैं सबको प्रणाम करती हूँ और सब तक अपना प्रणाम पहुँचाती हूँ। पीछे ये जो इतनी भीड़ लग रही है, इनसे भी अनुरोध है, मैं इतनी कॉन्शियस। हंसने और हंसाने वाले लोग कभी स्वर्ग नहीं जाते, वो जहाँ चले जाते हैं उस महफिल को थोड़ी देर के लिए स्वर्ग बना देते हैं। यदि आप और हम चाहें तो 2 घंटे की इस छोटी सी महफिल को स्वर्ग बना सकते हैं, लेकिन इसमें आपको साथ देना पड़ेगा। आपका साथ बहुत ज़रूरी है। इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर हैं, ये भी एक बहुत शुभ लक्षण है। सरकार तो 33% दे नहीं पाई, लेकिन जीतों ने 33 से ज़्यादा दिया है। मैं इसके लिए भी आप सबका स्वागत करता हूँ। और 4 पंक्तियाँ हास्य की बिल्कुल नहीं है, लेकिन बेटियों के सम्मान में मुझे याद आ गई। जो बैठी हैं ये सब किसी न किसी की बेटी हैं, हमारा रिश्ता इनसे बहन का, भाभी का, कुछ भी हो सकता है। 4 पंक्तियों से आपको जोड़ता हूँ कि भाग्यवान वो पिता जो बेटी वाला है। समय बदल गया है, अब ये बात स्वीकार करनी चाहिए सबको। भाग्यवान वो पिता जो बेटी वाला है, धन्य हुई माँ जिसने जन्मी वाला है। अरे बेटा तो होता है दीपक एक कुल का, बेटी दो दो कुल में करे उजाला है। बेटी दो दो कुल में करे उजाला है। जितनी बेटियाँ यहाँ पर आई हैं और उन्हीं की डिमांड पर हम भी एक कवित्री को यहाँ पर लेकर आए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हास्य व्यंग की बातें होंगी और आज बहुत अच्छा हमारे नौजवान साथी कहकर गए कि हम कोई मोदी की बात नहीं करेंगे, कोई राहुल की बात नहीं करेंगे। ये बड़ा संयमित काम है जिससे ना आजकल कवि बच पा रहा, ना श्रोता बच पा रहा। कई जगह तो श्रोताओं में से आवाज़ आ जाती है। लेकिन हमारे भोपाल के एक मित्र ने लिखा था कि एक नेता कहीं खो गया है, एक नेता कहीं खो गया है, साला आदमी तो नहीं हो गया है। आपकी तालियां ऊर्जा देती हैं, ये बात ध्यान रखिए। और इसमें हिंसा नहीं होती, आशीर्वाद ही मिलता है। एक नेता कहीं खो गया है, साला आदमी तो नहीं हो गया है, सूखे के दौरे पर चला था कल, पानी पानी तो नहीं हो गया है, पानी पानी तो नहीं हो गया। इस राजनीति की क्या बात कर रहे हैं। हमारे सुरेंद्र शर्मा जी कहते हैं कि करोड़ों की कविताएं इन 2 कौड़ी के नेताओं पर क्यों बर्बाद की जाए। तो आज हम पूरा सात्विक प्रयास करेंगे कि शुद्ध हास्य की बात हो, व्यंग की बात हो, गीत गजल की बात हो, और आप लोग उसका आनंद लें। क्योंकि कुछ पंक्तियां मुझे फिर याद आ गई। 4 मित्र जमा हुए तो उनकी बातचीत हुई, तो एक मित्र बोला हमारा मोहल्ला बड़ा गंदा है क्योंकि हर दूसरे मकान में शराब का धंधा है। हमारा मोहल्ला बहुत गंदा है क्योंकि हर दूसरे मकान में शराब का धंधा है। दूसरा बोला तू तो यूं ही रोता है, हमारे मोहल्ले में तो पेशा होता है। हमारे मोहल्ले में तो पेशा होता है। तीसरे ने कहा हमारे मोहल्ले में इतनी गंदगी जमा है कि सुबह खांसी है तो शाम तक दमा है। इस पर चौथा मुस्कुराया और बोला माना कि तुम्हारा मोहल्ला बहुत गंदा है, लेकिन हमारे मोहल्ले की तुलना में कहाँ ठहरता है, हमारे मोहल्ले में तो एक नेता रहता है। ये आजकल ऐसी इमेज हो गई है नेताओं की, तो हम नेताओं को बख्श देते हैं, शुद्ध हास्य व्यंग की बात करते हैं। मैं एक शादीशुदा कवि हूँ और ये मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, मेरी हेयर स्टाइल देख के आप समझ गए होंगे। इतना प्यार नहीं मिले तो बालों की हालत थोड़ी होती। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि जो मेरे जैसे हैं वो भी हंस रहे हैं। हम लोग के लिए शोक मनाने का अवसर होना चाहिए क्योंकि बड़ी गड़बड़ हो जाती है साहब। अब मैं कई नौजवान बच्चे हमारे यहाँ पे कॉन्फ्रेंस वगैरह में आते हैं और लड़कियाँ बड़ी परेशान रहती, कहते साहब बहुत गड़बड़ हो गई, ये तो वैसा निकला ही नहीं जैसा दिखता था। एक बड़ा पुराना आदिमकालीन संस्कार है कि आप गृहस्थी बसाएं और जो पहले बाजी मार ले उसी की चलती है। वो पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है।
अब मैं तो बड़े आराम से रहता था, यशोक कुमार जी बड़े पुराने मित्र हैं, ये ऐसे मित्र हैं जिनके होते हुए मुझे दुश्मन की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक तालियां इनके लिए भी थोड़ी सी होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने आधी रात को फ़ोन करके इन तीनों को यहाँ दावत दी है और हम तो जाग ही रहे थे कि कोई बुलाए। तो ये आते थे मुंबई साहब, मैं मारवाड़ी एक छोटे से गाँव से आ गया, ये हमारा वो हमारा वो हमारा, किसी का नहीं है। जो चरण छूने आज आया है उसके चरण देखने के लिए 5 साल तरस जाओगे। तो होना ये चाहिए, बहुत अच्छा मिशन। अभी सबसे बढ़िया काम मुझे ये लगा आज की महफिल में कि वोट दीजिए, और ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए जो आपके आसपास रहता हो, जो आपकी नज़रों में खरास हो, ना उसकी पार्टी को भूल जाइए, लेकिन ऐसे व्यक्ति को दीजिए कि आपका कोई काम, आपके जनहित का कोई काम, समाज सेवा का काम रुक जाए तो आप में से 4 वरिष्ठ लोग समाज के जाके उसका कान पकड़ सकें कि तुझे इसलिए वोट नहीं दिया था। अगर इस भावना के साथ वोट करेंगे तो शायद धीरे धीरे सुधार हो जाए। आइए दोस्तों, एक और हास्य की कविता मुझे याद आ गई, आपको सुनाता हूँ। बड़े रिश्तों में, और ये बड़ी पीड़ा है, कई सालों से मैं सुन रहा हूँ, बुजुर्गों की भी जवानों की भी, आदमी को जो मिलता है उससे ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा के बाद भी इतना सुख चाहिए जो उसके नसीब में भी नहीं है और संभव भी नहीं है प्रोटोकॉल में। दामाद ने अपने ससुर जी को पत्र लिखा, देखिए दामाद ससुर की बातचीत हो रही प्यारी प्यारी। दामाद ने अपने ससुर जी को पत्र लिखा कि आदरणीय ससुर जी, आज से 5 साल पहले शादी के समय आपने जो घड़ी दी थी वो आजकल बीमार है, इसलिए बेकार है। ससुर जी का जवाब आया, आपका पत्र मिला, चिंता की कोई बात नहीं, आप घड़ी भेज दीजिए, हम बदल देंगे, आपका अधिकार है। पत्र पढ़कर दामाद मुस्कुराया, कलम संभाली, कागज उठाया और दूसरा पत्र लिखा, आदरणीय ससुर जी, आज से 5 साल पहले घड़ी के साथ आपने अपनी जो लड़की दी थी उसका भी घड़ी जैसा ही हाल है, उसका भी घड़ी जैसा ही हाल है, अपनी लड़की के बारे में आपका क्या ख्याल है? ससुर जी का जवाब आया, प्रिय दामाद जी, हम तो आपको बड़ा पढ़ा लिखा जानते थे, बहुत ही समझदार मानते थे, लेकिन आप तो बड़े नादान हैं, केवल 5 साल पुरानी बीमारी का रोना रो रहे हैं। आप तो बड़े नादान हैं, केवल 5 साल पुरानी बीमारी का रोना रो रहे हैं, अपने ससुर जी को देखिए जो 40 साल पुरानी बीमारी को ढो रहे हैं। यदि परिवर्तन ही करना चाहते हैं तो फौरन चले आइए, हम आपकी बदलवा देंगे, पहले आप हमारी बदलवाइए, पहले आप हमारी बदलवाइए। आपकी तालियां वालियां बीच बीच में होती रहनी चाहिए। अरुण जैमिनी अब हमारे बीच नहीं रहे, नहीं नहीं दूसरा अर्थ मत लगाइए, वो उस काम के लिए गए जो यहाँ नहीं हो सकता, लेकिन बहुत जल्द वो वापस आएंगे। स्वागत सम्मान आपने कर ही दिया है, लेकिन अब हम चाहते हैं आप लोग जिस तरह से सुर में आ रहे हैं, मैं आपको एक बात और बता दूं कि हर कवि अपनी बढ़िया रचनाएं लेकर आता है, लेकिन कई बार हमारे सामने जो लोग बैठे हों पता नहीं किस संकोच में रहते हैं, अब यहाँ तो इतने बुजुर्ग लोग हैं, पीछे सब है, और ये बुजुर्ग लोग हैं इनको भी प्रणाम करता हूँ, सफ़ेद बालों के साथ ही आ गए कई लोग, बताओ इतने बड़े प्रोग्राम में, हमारे मुंबई में ऐसा नहीं होता। मेरे पड़ोस में, मेरी बिल्डिंग में एक 75 नॉट आउट है, 75 नॉट आउट, फिट हैं, रोज़ सुबह उठते हैं, आधा घंटा बाल सफ़ेद करते हैं, एक कैटरीना वाली टी शर्ट पहनते हैं, रिबॉक के जूते पहनते हैं और मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। अब वो सोसाइटी के सब लोग जमा हो गए, बोले यार भाई जी ऐसा करते हैं अच्छा नहीं लगता, समझाओ। तो मैंने पूछा कि अंकल इस उम्र में अच्छा लगता है, ऐसा क्यों करते हो, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तो शर्मा गए, बोले कुछ आंटियाँ भी तो आती हैं मॉर्निंग वॉक पे मेरी उम्र की। हम लोग समझा के हार गए, उन्होंने वो क्रम नहीं छोड़ा। लेकिन एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जब घर के बुजुर्ग बिगड़ने लगे तो घर के बच्चे ही उनको लाइन पे लाते हैं। एक रोज़ जब ये 7:15 बजे सीटी बजाते हुए सीढ़ियाँ चढ़ी घर पे आए तो बड़ा अजीब सीन देखा, इनका 12 साल का बेटा अपनी दादी के पान के डिब्बे में से चूना निकाल के अपने बाल सफ़ेद कर रहा था। बड़ा गुस्सा आया दादाजी को, एक थप्पड़ मारा, बेवकूफ़ बाल जल जाएंगे, चमड़ी जल जाएगी। और उस बच्चे के एक लाइन के मासूम जवाब पर यहाँ से वहाँ तक आपकी तालियाँ चाहिए,
बच्चे ने तुतलाते हुए कहा, दादाजी घर में कोई तो बुजुर्ग लगना चाहिए। इस देश में बुजुर्ग अपनी बुजुर्गियत संभाल लें, बच्चे अपना बचपना संभाल लें और नौजवान अपना कर्म संभाल लें तो यकीन मानिए इस देश से बढ़िया देश पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं है। और हमारे इस देश में बहुत सी शख्सियत हैं, उनमें से एक को आज हम लेकर आए हैं। आपने अभी सरस्वती वंदना सुनी, लेकिन पूरे देश भर में अपने मुख तक अपने गीत टीवी पर भी छाई रहती हैं। अनामिका अंबर देश विदेश में भी जाती हैं, कुछ अलग अलग सी आते हैं इसकी। मैं एक बार इसे लेने इसके घर पहुंचा तो बोले आ जाइए, दरवाज़ा खुला है, अंदर ही है। मैं गया तो आईने के सामने आंखें बंद करके बैठी थी। मैं कहा ये क्या तमाशा है। बोले नहीं सुभाष जी, देख रही थी कि सोती हुई कैसी लगती हो। ये ऐसी ऐसी आदतें भी हैं इसमें, उन सब के साथ झेलना पड़ता है, टीम वर्क है। ये हमें झेल रही है, हम इसे झेल रहे, लेकिन बाकी कोई ऐसी बुरी आदत नहीं है जिसके लिए आप इसे सजा दें। ये पान पराग नहीं खाती, उसमें 120 नहीं मिलाती, बियर वियर तो छोड़ ही दो। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।